चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग है ना, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन का, पढ़ चुके थे 11 से रिलेटेड 3-4 को क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम लोग है ना, टॉपिक होगा मेरा क्या, चैन रूल या चैन मेथड। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी लिखिएगा, चैन रूल, चैन रूल। चलिए, चैन रूल क्या होता है कंसंट्रेट कीजिएगा, तो ये समझ में आ जाएगा तो आपका कौन सा एक्सरसाइज 5.2 अभी ख़त्म होगा, अब 5.3 का भी थ्योरी मिल जा सकता है, तो कंसंट्रेट कीजिएगा। तो देखिए चैन रूल क्या कहता है, सपोज कीजिए लेट y बराबर एफ एक्स, यहाँ g है, यहाँ एच एक्स, ऐसे एक फंक्शन दे दिया, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अंदर में सुनिएगा, पहले फंक्शन के अंदर में फंक्शन, इसी को कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्या होता है, तो ऐसे हम लोगों को सेट ये में पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन में पढ़ना है। अलेवेंथ में भी आपको हल्का फुल्का एक दो क्वेश्चन बताएं, एफ ओ जी रहेगा, यहाँ एक्स लिखा रहेगा, तो इसी को आप लिख सकते हैं एफ, और ओ का मतलब होता है कर्ली ब्रैकेट या ब्रैकेट, सिंपल बोल सकते हैं ऐसे, यहाँ जी और ये एक्स, ये एक फंक्शन और जी आपका क्या दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन को मिला के लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक फंक्शन को मिला के लिखते हैं तो उसी को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो यहीं पर दो नहीं फंक्शन है, यहाँ कितना फंक्शन है, तीन, एक दो तीन, तो तीन फंक्शन को मिला के लिखे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, चलिए तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर वेरिएबल मेरा क्या है जी, इधर वेरिएबल मेरा क्या है x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड जैसे ही लिखे ना तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ऐसे ऑपरेटर लग जाता है डी बाई में डी एक्स, तो इधर भी आपका ऑपरेटर लग जाएगा डी बाई में डी एक्स, यहाँ एफ जी एच एक्स, ये ठीक है। अब देखिएगा कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये देख लीजिए, लिखते रहिए, हमको भी नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे, तो यहाँ एरो दिया जाता है, तो यहाँ एरो दिए तो क्या दिखा एफ, तो एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जिस पर एरो नहीं है उसके रिस्पेक्ट में, तो बोलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या लिखिएगा डी, यहाँ लिखाएगा पूरा, लिखाएगा पूरा, लेकिन वर्किंग किसका सिर्फ होगा F का, जो आगे में है उसका वर्किंग होगा, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन, तो जिस पर एरो नहीं है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या G H X, ठीक है, फिर इनटू का साइन दीजिएगा, किसका साइन, इनटू का, एरो को आगे बढ़ाइए तो क्या नज़र आया G, तब किसका वर्किंग करेंगे G का, यानी कि नीचे वाला का वर्किंग होगा, तो G को डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे G को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो किस पर ये एरो नहीं है H, तो H के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या है H, तो H को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो X के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में X, एनी हाउ है ना, चैन रूल में है जो कि कहाँ तक पहुँचना रहता है, x तक पहुंचना रहता है, कहां तक पहुंचना रहता है x तक। तो जल्दी यहां तक आइए, क्वेश्चन आएगा अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, थोड़ा फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए, चलिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन लिखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया जी, चलो देखो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिएगा फाइंड डी वाई बाई में डी एक्स इफ, अब क्या क्या वाई इक्वल टू क्या दे देगा,
ये लड़का देखो नहीं तो पीट देंगे, चला ना चला। ईपर पावर 5x दे दे, क्या दे देगा? ईपर पावर 5x। तो इसका देखिएगा कैसे करेंगे, ये तो आपको पहले ही क्लास में बता दिए थे, गिवन दे दिया है। तो y बराबर ईपर पावर 5x, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू लिख लीजिएगा, तो दोनों तरफ लगा दिए ऑपरेटर। देखिए जब चैन मेथड से बनाएंगे ना, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का करेंगे। इसका डायरेक्ट लिखवाए थे आप लोगों को, क्या एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल एक्स के साथ रहता है वो कहाँ आ जाता है, आ गया। तो सही कर लीजिएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा 5 आई पर पावर एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, आई एक्स के साथ 5 था तो 5 क्या हो गया, आ गया। दूसरा वाई इक्वल टू इसी तरह से साइन रहेगा 7x, तो क्या हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ क्या, बोलिए साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स के साथ जो रहता है कहाँ आ जाएगा, आ गया। ठीक है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स के साथ रहेगा वो आ गया। तीसरा अब ऐसे दिया रहेगा टैन एक्स क्यूब, इसका नहीं नहीं टैन एक्स क्यूब। तो सबसे पहले किसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ट्रिगो के ऊपर जो पावर है उसका, तो ट्रिगो पर पावर क्या है, चलिए अब चैन मेथड चालू हो गया, सबसे पहले किसका करेंगे, देखिएगा रे ट्रिगो, ट्रिगो के ऊपर पावर क्या है क्यू, तो पहले पावर का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टैन के रिस्पेक्ट में, टैन का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई में डी एक्स, ये यहाँ हो जाएगा, पहले दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लगा दे रहे हैं। चलिए बोलिएगा, बोलो डी वाई बाई में डी एक्स, तो सबसे पहले पावर का करेंगे, तो टैन का नहीं करेंगे, पहले पावर का करेंगे किसके, किस पर पावर है जी, टैन पर, तो टैन के रिस्पेक्ट में, समझोगे नहीं तो लिखते रहो। अब फिर टैन का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टैन का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाता है और एक घट जाता है, पढ़ाए हैं तो बोलिए पावर आगे आ जाएगा, तो आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, एक घटेगा ना तो ये हो जाएगा 2। ठीक, अब टैन का डिफ्रेंशिएशन तो sec स्क्वायर हो गई, जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, जितना जल्दी जल्दी हो सके बनाना है। तीसरा हो गया, साथ में रहिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा, सपोज कीजिए चौथा 4 ऐसे रहेगा, हाँ जी y बराबर यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ 2x रहेगा, क्या रहेगा 2x, तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर का करेंगे, किसका करेंगे पावर का, तो पावर का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dy में dx, यहाँ साइन स्क्वायर, अभी बताएं एकदम सेम क्वेश्चन है, तो साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, तो पहले तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लगा दिए, ये हो गया है। चलिए बोलिए जी, सबसे पहले साइन का करेंगे कि साइन के ऊपर पावर का, तो सबसे पहले पावर का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, साइन 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर साइन का कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। साइन का किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, एंगल के रिस्पेक्ट में, इधर है साइन का एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल में कांस्टेंट के साथ x है, तो ओनली फॉर किसके लिए, x के। चलो डिफ्रेंशिएशन बोलो, पावर का क्या होता है, एक पावर का आगे आ जाता है और एक घट जाता है, तो एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, दो में से एक चला जाएगा तो एक होगा ना, तो एक लिखाता नहीं है, ये हो गया।
अब चलो इसका की है तो साइन का डिफरेंस ये सर, साइन का कॉस, तो कॉस लिख देंगे। और अभी क्या सिखाए थे, एक्स के साथ जो रहता है वो आगे आ जाता है, तो एक्स के साथ क्या है टू, तो टू कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। आगे जगह नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो बोलो टू इंटू टू फोर, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसे यहाँ से यहाँ है ना, आपका फार्मूला बना लिया, टू साइन ए कॉस ए, तो टू साइन ए कॉस ए, तो साइन टू ए, साइन टू ए, आई वाला टू आगे लिख लिए, इसका फार्मूला बन गया साइन टू, ये आपका क्या है टू एक्स है, तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर। नहीं आया, नहीं आया तो फिर से जल्दी कीजिए, नहीं आया तो फिर से फास्ट कीजिएगा। समझ में आना चाहिए, जो प्रॉब्लम है बोलिए। सबसे पहले पावर का, फिर से देखो, सबसे पहले ट्रिगो का नहीं है, इधर देखिएगा, सबसे पहले ट्रिगो का नहीं, ट्रिगो के ऊपर पावर का किए, तो किसके रिस्पेक्ट में, ट्रिगो के रिस्पेक्ट में, और ट्रिगो का किए किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। अब अगला क्वेश्चन में दोनों पर पावर रहेगा, पचमा फाइव ऐसे रहेगा, टेन यहाँ क्यू कर देगा, यहाँ एक्स पर पावर फाइव। चलिए अब इसको देखा जाए, हो गया जी, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा कैसे, कंसंट्रेट कीजिए। सबसे पहले किसका कीजिएगा, किसका पावर, ट्रिगो के ऊपर का पावर, एंगल तो बाद में आता है, तो सबसे पहले ट्रिगो दे, लिखते रहो समझ में नहीं करो, सबसे पहले पावर का करेंगे, किसके ऊपर का पावर का, एंगल से नहीं मतलब है, किससे, ट्रिगो, तो साथ में रहो, आगे पीछे कैसे हो जाता है, जो छूट गया छोड़ो उसको साथ में लिखना। तो सबसे पहले पावर का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ट्रिगो के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब किसका कीजिएगा, ट्रिगो का करेंगे, ट्रिगो का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एंगल का एक्स के रिस्पेक्ट में। अब लिखिएगा, तो पावर का क्या होता है, पावर आगे आ जाता है एक घट जाता है, पावर आगे आ जाता है एक घट जाता है। और टेन का डिफ्रेंसिएसन सेक स्क्वायर, एंगल लिखाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएसन तो फाइव आ गया, एक घट हो गया। अब इसी को लिखना है, तो इसको 5 को 3 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15, आइए चलिए फास्ट है। सिक्स ऐसे रहे, जल्दी कीजिए ना, इतना दिखाइए बस। देखिएगा सबसे पहले आप लोग किसका कीजिएगा कि रूट, रूट भी एक तरह का क्या है, पावर है, तो सेम क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले पावर का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, कॉट के रिस्पेक्ट में, कॉट का करेंगे रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चालू हो जाइए। तो डी वाई बाय में डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ लगा दिए। अब बोलिएगा, तो रूट का किए कॉट के रिस्पेक्ट में, और कॉट का करेंगे रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट। तो बोलिए, तो रूट का याद कीजिए, लास्ट क्लास में सिखाए थे जी, रूट का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई टू, सेम सेम नीचे में,
ठीक है। अब बोलो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, बोल दिया करना कभी कभी। ये रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 सेम से, ठीक है। चलो तो 2 × 2 से कोई मतलब नहीं, 2 × 2 हो तो ऊपर में हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर। अरे 2 × 2 देख लो थोड़ा सा, यहाँ 2 × 2 4। अरे जी इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, तो पूरे पर रूट। चलिए फास्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, हाँ जी सेम क्वेश्चन है। ये जल्दी कीजिए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, किसका कीजिएगा बोल दीजिए, रूट का किसके रिस्पेक्ट में, एक्सपोनेंशियल के रिस्पेक्ट में, एक्सपोनेंशियल का किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा दिए, अब चालू कीजिए। तो रूट का करेंगे एक्सपोनेंशियल के रिस्पेक्ट में, एक्सपोनेंशियल का करेंगे रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बोलिए रूट का क्या सिखाया है, 1/2 सेम नीचे में एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल आई रूट का 1/2 रूट एक्स। अब आप चाहें तो ये देखो इससे ये कटेगा, ये 2 है और ये रूट 2 है, तो कटेगा, काट भी सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे करके लिख दीजिए ऊपर में एक्सपोनेंशियल, और यहाँ जी 2 × 2 4, और ये भी रूट में, ये भी रूट में है, तो पूरा पर रूट, तो एक्स एक्सपोनेंशियल। चलिए दिक्कत है तो बोलिएगा, जल्दी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 ऐसे रहेगा तो क्या कीजिएगा, 8 वाई बराबर एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर ऐसे रहेगा, एक्सपोनेंशियल के ऊपर रूट कॉट रहेगा, तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए समझिएगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का, इधर जी एक्सपोनेंशियल का, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रूट कॉट के रिस्पेक्ट में, और फिर रूट का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, कॉट के रिस्पेक्ट में, अब फिर कॉट का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, हो गया। तो बोलिए एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल का आई इसका कीजिएगा तो रूट का क्या, 1/2 कॉट एक्स, और कॉट का क्या, माइनस कॉसेक एक्स, हो गया, यही लिख दीजिए आंसर, जल्दी कीजिए। 9
ये रहे, बोलिए। यहाँ पहले दोनों तरफ हम डिफ्रेंसिएशन लगा रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा देख लो, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन लगा दिए। बोलिएगा क्या कीजिएगा, लिखते रहना। पहले यहाँ देखो, सबसे पहले किसका कीजिएगा? कॉस का। तो कॉस का किसके रिस्पेक्ट में? साइन रूट ऑफ के। ये पूरा एंगल है। जब कॉस का करेंगे तो ये क्या काम करेगा? एंगल का काम करेगा। क्या काम करेगा? एंगल का। चलिए, तो साइन के रिस्पेक्ट में किए, अब साइन का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? रूट साइन का करेंगे एक्स प्लस बी, तो रूट के रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। ट्रिगो का ऑलवेज किसके होता है? एंगल के रिस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे? हो गया है। अब बोलिए, अब रूट का करेंगे, तो रूट का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? जिस पर रूट है। तो किस पर रूट है? एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट। ये है आप जल्दी, तब कुछ नहीं करना है, ये लाइन समझिए। देखिए, तो किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे? सिर्फ कॉस का। इधर सिर्फ कॉस का, ये एंगल है, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन। ये जैसे है ना उतार दिया जाता है, क्योंकि ये एंगल है, ठीक है। फिर से समझना, किस में लगा हुआ है डी? कॉस में लगा हुआ है, तो कॉस का करेंगे, तो कॉस का साइन, आइए सेम सेम उतर जाएगा, ठीक। अब यहाँ किसका कीजिएगा? साइन का। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। आइए, तो एंगल है ना, तो एंगल सेम सेम उतर जाएगा। चलिए, ये रूट है, तो रूट का क्या सिखाए थे? 1/2 सेम सेम नीचे में। अब ये क्या है? ए का होगा नहीं, ए का होगा नहीं। एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, कॉन्स्टेंट का 0। फिर से, ए का हुआ नहीं, एक्स का 1 और कॉन्स्टेंट का 0। अब इसी को सजा के लिख दीजिए आंसर आगे। तो ये वाला पहले लिख दीजिए, तो क्या लिखाएगा? आगे में माइनस है, तो माइनस ए, यहाँ साइन। जल्दी कीजिएगा, आई जी ए, कितना लोग महान लोग, एंगल से इसको, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो काट नहीं दीजिएगा। एंगल से नंबर कटता नहीं है, याद रखिएगा, ना कि काट दीजिएगा। चलिए फास्ट कीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ रहेगा। 9 ना 10, जल्दी यहाँ तक आइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे दे दिया है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो y में पावर 3 दे दिया। क्या दे दिया है? 3 दे दिया। तो इसको कैसे कीजिएगा? तो कंसंट्रेट कीजिएगा। सबसे पहले पावर को क्या कर लेना है? कितना लोग u बाई वी पर करता है, तो u बाई वी पर नहीं, 1 है ना ऊपर में, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाइए। तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, माइनस 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, बोलिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसका कीजिएगा आप लोग? पावर का। पहले पावर का, तो पावर का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? जिस पर पावर है। तो किस पर पावर है? इस पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इसका कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। तो पावर का क्या होता है? पावर आगे आ जाता है, आइए घट जाता है, तो एक घट जाएगा माइनस 3 में से एक घट जाएगा, तो माइनस 4 के माइनस 2 माइनस 4। अब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट बोलिए पावर
आगे आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ माइनस 3 का हुआ नहीं, x का 1 और कांस्टेंट का 0 हो गया। अब लास्ट लाइन यहाँ लिखवा दीजिए, बोलिए जी।